हेलो बच्चों, मैं यतेंद्र बड़ौनिया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम 12th फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं और ये जो सीरीज है ये एक रिवीजन सीरीज है। इस रिवीजन सीरीज में हम पहला जो चैप्टर है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझ चुके हैं। इससे रिलेटेड मैंने दो वीडियो अपलोड किए हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल आसुतेंद्र बड़ौनिया पर उपलब्ध हैं। इस वीडियो को देखने का पहले आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें जिससे कि ये जो चैप्टर है आप अच्छी तरह से समझ सकें। इस सीरीज का हमारा पर्पज आपको कम टाइम में चैप्टर की पूरी समझ विकसित करना है। इस चैप्टर में हम आज फर्स्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें जो सेकंड चैप्टर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको स्टडी कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला ही टॉपिक है स्थिर विद्युत विभव, स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बात की जाए पोटेंशियल की तो ये क्या होता है तो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। बोथ ऑब्जेक्ट्स आर चार्ज्ड। यहाँ पर जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये आवेशित हैं, इसके पास भी कुछ आवेश है और इसके पास भी कुछ आवेश है। अंतर इतना सा है दोनों पर जो आवेश है, दोनों पर जो चार्ज है उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो हम पाते हैं कि जिस पर चार्ज ज़्यादा होता है उससे चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाने लगता है, यानी चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी भौतिक राशि जो यह डिसाइड करे कि चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इसका एक डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि वह भौतिक राशि जो चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को डिसाइड करती है, जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है, उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। इसका एक हम दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो एक दूसरा डेफिनेशन समझते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। जैसे कोई चार्ज है, दिस चार्ज इज क्यू, इस चार्ज को हमने क्यू से प्रदर्शित कर लिया। इस चार्ज के चारों ओर एक फील्ड बनती है जिसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस चार्ज के प्रेजेंटेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब अगर कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड के बाहर है,
जैसे ये एक चार्ज है, दिस इज टेस्टिंग चार्ज, इसे परीक्षण आवेश कहा जाता है, और यह परीक्षण आवेश इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो हम बोलेंगे यह जो चार्ज है यह इन्फिनिटी पर है। अब इस चार्ज को हम इस इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इस चार्ज से कुछ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। चूँकि हम इसका डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो क्वांटिटीज हैं, और हमें पता है जब फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन किया जाता है, यानी यहाँ पर जो चार्ज है वो कुछ वर्क डन करेगा, तो इस वर्क को हम W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे द्वारा जो वर्क डन हुआ और जो हमारा टेस्टिंग चार्ज है, इनका जो रेशो होता है उसको हम विद्युत विभव बोलते हैं, यानी कि विद्युत विभव बराबर होता है आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश। यानी कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आए तो वर्क डन अपॉन टेस्टिंग चार्ज इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इफ क्यू नॉट इज वन देन द वी इक्वल्स टू W। यानी कि अगर हम यहाँ पर टेस्टिंग चार्ज को यूनिट लेते हैं, वन ले लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क डन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से भी हम डिफिनीशन दे सकते हैं कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो उम्मीद है ये कुछ बातें हैं जो आपको समझ आ गई होंगी। तो जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन दी रखी है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखी है, वह भौतिक राशि जो आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। यूनिट अगर देखें तो मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला बता दिया है, V इक्वल्स टू होता है W अपॉन क्यू नॉट, वेयर वर्क इज इन्फिनिटी टू पॉइंट A। तो ऊपर वर्क है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड चार्ज इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर जो वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जो चार्ज है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, दोनों स्केलर हैं, दोनों अदिश राशियाँ हैं, तो जो विभव होगा वो एक ऐसी राशि होगी, एक अदिश राशि होगी। अगर इसका SI यूनिट लिखा जाए तो वर्क का SI यूनिट होता है जूल, और चार्ज का SI यूनिट होता है कूलाम, तो इसका SI यूनिट बनता है जूल पर कूलाम, इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। यहाँ से हम चाहें तो 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में यदि हम 1 जूल वर्क करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम 1 वोल्ट लिख सकते हैं। इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला हम निकालें तो जो वर्क है इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 l2 t -2 अपॉन में चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होगा at। अगर इसको सॉल्व करें तो m1 रहने वाला है, l2 ही रहेगा, t अगर देखा जाए तो इस पर पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a -1।
तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो इस तरह इसका ये विमीय सूत्र हो गया। इसके बाद हमने इसी को एक फॉर्मूला और लिखा है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू ए ई डी आर। इस रिलेशन को हम आगे डेरिवेट करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर होगा। एंड ऑल्सो इक्वल्स टू यू ए माइनस यू इन्फिनिटी वेयर यू ए इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड यू इन्फिनिटी इज पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो यू ए है ये पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट ए पर, और यू इन्फिनिटी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा है पॉइंट इन्फिनिटी पर। तो जो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वही इक्वल होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो यहाँ पर ये हमें याद रखना है कि अनंत पर जो विद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। इसके बाद ये एक रिलेशन लिखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, वन वोल्ट इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री हंड्रेड स्थैत वोल्ट इक्वल्स टू टेन टू द पावर एट एब वोल्ट। चलिए तो आगे देखते हैं, विभव जो है वो दो टाइप का है, पहला है पॉजिटिव विभव, दूसरा है नेगेटिव। तो पहला है धनात्मक विभव, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें लिखा है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, और ऋणात्मक विभव में हमने लिखा है विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। यानी कार्य दो तरह से हो रहा है, एक हो रहा है विद्युत बल के विरुद्ध, एक हो रहा है विद्युत बल के द्वारा। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे विद्युत बल के द्वारा कार्य होगा और कैसे विद्युत बल के विरुद्ध कार्य होगा। तो जैसे ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इन्फिनिटी है, ये एक पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट, टेस्टिंग चार्ज है क्यू नॉट, और इसको यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब जैसे ही ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड टेस्टिंग चार्ज इज अल्सो अ पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों के दोनों हमें धनात्मक आवेश दिखाई दे रहे हैं, और हमने पढ़ा था कि दो धनावेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी हम इसको इस ओर लेकर जा रहे हैं लेकिन बल इस पर इस दिशा में लग रहा है। तो हम जो यहाँ पे वर्क डन करने वाले हैं वो फोर्स के कैसा कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, फोर्स के विरुद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसी को हम दूसरी तरह समझते हैं, ये एक फील्ड है, बस फील्ड कैसी है, नेगेटिव चार्ज के लिए। ये एक टेस्टिंग चार्ज है इन्फिनिटी पर, और इसको इस फील्ड में लेकर आते हैं। तो जैसे ये एंटर करता है तो ये नेगेटिव चार्ज इस चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करने लगता है, यानी ये इस और अपने आप जाने लगेगा। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, फील्ड खुद वर्क कर रही है, यानी फील्ड के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो पोटेंशियल होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने लिखा है विभवांतर, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए अब हम समझते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पे समझ रहे थे कि ये एक चार्ज था, ये इसकी फील्ड थी, इसके बाहर एक टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ था, इसको हम इस फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर आए, सपोज कीजिए हम इसको पॉइंट ए तक लेकर आए।
अब यहाँ पर जो चार्ज है वो पॉइंट ए पर है, ऑलरेडी है। इसको हम यहाँ से किसी पॉइंट बी तक लेकर गए, तो यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल होगा। इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में हुआ वर्क अपॉन टेस्टिंग चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए दोबारा हम पिछले स्लाइड पर मूव करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा होगा, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, विद्युत विभवांतर। उसमें क्या करते थे हम, विभव में अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु तक लाते थे, और विभवांतर में क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से हम उसको दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं। तो इसके अलावा ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, पृथ्वी का जो मानक विभव होता है वह शून्य माना जाता है, और 1 मीटर के डिस्टेंस पर ई और वी इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हमें एक डेरिवेशन पढ़ना होता है, उससे ये चीज़ समझ में आती है। यहाँ पर लास्ट में बोला कि स्थिर विद्युत बल कैसा एक संरक्षी बल है, बिकॉज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एल इज जीरो। संरक्षी बल और असंरक्षी बल ये हमने 11th क्लास में पढ़े थे। संरक्षी बल उस बल को कहते हैं जिसके द्वारा एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है, यानी जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो उसे हम बोलते हैं संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर ये कैसा फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों, क्योंकि पाथ पर ये डिपेंड नहीं है। तो इस तरह से ये हमारी पहली स्लाइड कंप्लीट होती है। तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसमें जो भी जानकारी है उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इस तरह का एडिशन आपके नोट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बना देगा, और आपके मार्क्स निश्चित ही ग्रो करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अच्छा, कुछ इस विद्यार्थी क्या करते हैं कि वीडियो शुरू में देखते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं, पूरा एंड तक नहीं देखते हैं। तो ये बड़ी ही गलत तरीका है वीडियो का। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ही आप इस वीडियो को देखें, आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इस वीडियो को देखने का कोई मीनिंग नहीं है। ये वीडियो ओनली ट्वेल्थ फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। हाँ, इसका इम्पोर्टेंस कंपटीशन एग्ज़ाम में भी है, तो वो लोग भी इसको देख सकते हैं, लेकिन हर स्लाइड अपने आप में महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं कि पहली स्लाइड से ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएं, हो सकता है लास्ट स्लाइड से पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ पर आपको कुछ नंबर का लॉस हो सकता है, और आप जानते हैं कि एक एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये आपकी स्टडी में कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को चैनल के बारे में जानकारी दें, जिससे उनको भी इस सीरीज का लाभ मिल सके। अभी दौर जो है कोरोना का, वो अच्छा नहीं चल रहा है, इस कारण बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई से दूर हैं, तो आप उन्हें थोड़ा मोटिवेट करें, जिससे कि आगे जो चीज़ें होने वाली हैं हम उसके लिए तैयार रहें।
तो चलिए हम अब दूसरी स्लाइड को समझने वाले हैं। तो पहली स्लाइड में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर, ये दो चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया। अब आगे हम समझने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। पॉइंट चार्ज के लिए यानी किसी सिंगल चार्ज के लिए हम विभव की गणना करते हैं। तो यहाँ पर हम ओनली शॉर्ट आंसर टाइप और एमसीक्यूज के पर्पस से ये वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम डेरिवेशन सॉल्व नहीं करने वाले हैं। डेरिवेशंस के लिए मैं अलग से इनके वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हम केवल फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो जो पॉइंट चार्ज है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला होता है वी इक्वल्स टू 1/4πε0k क्यू अपॉन आर। इसके बाद आवेशों के निकाय के लिए अगर देखें यानी एक से ज़्यादा आवेश हैं तो इसी फार्मूले को हम Q1/R1, Q2/R2 प्लस Q3/R3 एंड सो ऑन इस टर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है विद्युत द्विध्रुव के लिए। द्विध्रुव का मतलब हम मैं बता चुका हूँ आपको पहले वीडियो में। द्विध्रुव का मतलब होता है जिसमें दो ध्रुव होते हैं यानी इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके लिए अगर हम विद्युत विभव निकालें तो तीन स्थितियां हैं, पहली अक्षीय स्थिति, दूसरी निरक्षीय स्थिति और तीसरा है किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव। तो अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला ये है V=1/4πε0kP/R²-A²। इफ़ आर इज़ वेरी ग्रेटर देन 2A, तो यहाँ पर हम A को नेगलेक्ट करते हैं तो हमें फार्मूला मिलता है V=1/4πε0kP/R²। निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है यह शून्य होता है। ये एमपी बोर्ड में कई बार ओटी में पूछा गया है। और किसी भी बिंदु पर जब हम विद्युत विभव देखते हैं तो वो होता है V=1/4πε0P cos θ/R²-A²cos²θ। तो इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। तो अगली स्लाइड में हमें टॉपिक दिया गया है इक्विपोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ। नाम ही है सम विभव, समान विभव वाला पृष्ठ। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है, समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सम विभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो इस ज़्यादा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर ये एक पॉइंट है O और इस पॉइंट पर Q चार्ज रखा हुआ है। प्लस Q चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक सीधी डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो ये आपको जाते हुए दिखाई दे रही हैं। हमने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया तो इसको देखें तो इसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा है, इक्वल। हमने पढ़ा था यूनिट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4πε0k Q/R²। तो यहाँ पर ये Q, R और K इन तीन चीज़ों पर डिपेंड है। Q सभी में कॉमन है, डिस्टेंस रेडियस के टर्म में तो ये भी इक्वल है, और K क्या है, परमिटिविटी है, विद्युत सील सॉरी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि माध्यम पर डिपेंड करेगा तो माध्यम भी एक जैसा ही भरा हुआ है। तो यहाँ पर मतलब हुआ कि सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव कैसा है, समान है। तो इस पृष्ठ को हम क्या बोल सकते हैं, समविभव पृष्ठ बोल सकते हैं। चलिए तो संभव पृष्ठ की कुछ विशेषताएं होती हैं, यहाँ पे लिखी नहीं हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। पहली विशेषता है कि संभव पृष्ठ जो रहेगा उसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, जो कि मैं डेफिनेशन में भी बता चुका हूँ। दूसरी बात, संभव पृष्ठ
अगर हम किसी धातु के लिए बनाते हैं तो वो हमेशा एक जैसा बनता है, संविभव ही बनता है। धातु का पृष्ठ सदैव एक संविभव पृष्ठ ही होता है। किसी पॉइंट चार्ज के लिए बना है तो बहुत सारे संविभव पृष्ठ बनते हैं, लेकिन उन सभी का जो सेंटर होता है वो कॉमन होता है, यानी एक जैसा केंद्र रहता है। जैसे यहाँ पर दो आपको गोले दिख रहे हैं और दोनों का केंद्र समान है, तो बिंदु आवेश के लिए संविभव पृष्ठ समकेंद्रिक गोले होते हैं। अगर हम कोई चार्ज है उसे एक संविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर हम एक संविभव पृष्ठ से दूसरे संविभव पृष्ठ पर जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, और यह डिपेंड करता है उन दोनों संविभव पृष्ठ के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। दो संविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, तो ये कुछ विशेषताएँ हैं। इसके बाद विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो ये हमें पता होना चाहिए, जो कि रिलेशन है E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dx। यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, dV यहाँ पर विभवांतर है और dx यहाँ पर दूरी है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, तो इसके लिए त्वरण का सूत्र होता है A इक्वल्स टू qE अपॉन m। वेग का सूत्र होता है V इक्वल्स टू 2qV अपॉन m, ये रूट में रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी होती है K इक्वल्स टू qV। यहाँ से एक यूनिट बनता है एनर्जी का जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। अगर इसका मार्ग देखें, अगर ये लंबवत प्रवेश करेगा विद्युत क्षेत्र में, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है और यहाँ से एक चार्ज S के लंबवत परपेंडिकुलर एंटर करता है, तो जो इसका पाथ है वो कुछ इस तरह हो जाता है, ये घूम जाता है, यानी पैराबोलिक पाथ बना देता है, परवलयाकार मार्ग का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमने देखा था dV अपॉन dx जो है इसका हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी जो डायरेक्शन है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होती है, बिकॉज E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dx। माइनस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस कारण जो इलेक्ट्रिक चलिए तो हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो विद्युत प्रवणता है जिसको कि हम dV अपॉन dx लिखते हैं, ये इक्वल होगी, ये एक सदिश राशि होगी और इसका जो डायरेक्शन है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। इसका अगर यूनिट देखें तो इसके दो यूनिट लिख सकते हैं, एक यूनिट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट के बराबर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन पर कूलाम, और दूसरा यहाँ पर इसको वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। विभव का यूनिट होता है वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो इसे वोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला फील्ड के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होगा, फील्ड का एक डायमेंशनल फार्मूला होता है m1L1T-3a-1, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा m1L1T-3a-1। तो चलिए हम अगली स्लाइड पर मूव करते हैं जिसमें है स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से परस्पर नज़दीक लाकर निकाय की रचना में करना पड़ता है, यानी कि दो आवेश हैं, ये एक आवेश है Q1, ये दूसरा आवेश है Q2। अब Q1 एक आवेश Q2 को हम Q1 की ओर ले गए तो इसके कारण इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और यहाँ पर इसको हम क्या करा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टकरा यानी वर्क होगा, और ये जो वर्क है यही पोटेंशियल एनर्जी में
कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यू इक्वल्स टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यदि दोनों चार्ज एक जैसे होते हैं, सजातीय होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है पॉजिटिव होती है, और अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो जो पोटेंशियल होती है वो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। तो अनेक आवेशों के निकाय के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं हम यू इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री। तो इस तरह हमने आज की क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंप्लीट कर लिया। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।